अस्सलाम वालेकुम, मैं रफाकत मीर काहरा से। काहरा ब्लॉक में बहुत सारी रोड जो हैं डिस्कनेक्ट हुई हैं तहसील हेडक्वार्टर से। पसी आने की वजह से रोड बंद हैं, उसके साथ साथ लाइट 3 दिन से नामो निशान नहीं है। जहां डिजिटल इंडिया की बातें कर रही है सरकार, मरकजी सरकार, लेकिन यहां पर 3 दिन से लाइट नहीं है। काफ़ी ऐसे सी पाथ जो आम इंसानों के चलने के हैं, वहाँ पे नाले में बहुत ज़्यादा मलबा आने की वजह से वो तमाम रास्ते बंद हैं। इसके साथ साथ लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मरकजी सरकार को चाहे कि जिस तरह से पहले 6 महीने का राशन दिया जाता था, इस बार उन्होंने 3 ही महीने का राशन डैम्प किया है। और यहाँ पर बर्फ़ गिरने की वजह से मलानू में एक मकान जो है डैमेज हुआ है, वो बेवा खातून है। उसके साथ साथ बहुत सारी जगहों पर जो है मकानों की डैमेज हुई है, रिपोर्ट आई है हमें। उसके साथ साथ पानी जो है बहुत जगहों पे बिल्कुल ही आ नहीं रहा है, पाइपें जो है डैमेज हुई है। जो पिछले स्पीच में आजाद साहब ने सेंटर में कहा था कि जब एक पाइप टूटेगी उसके लिए भी टेंडर किया जाएगा, तो प्राइवेटाइजेशन की वजह से डिपार्टमेंट जो है वो पाइपें लगा नहीं पा रहा है। बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करेंगे कि खासकर इन विंटर्स में आवाम के बारे में सोचा जाए और आवाम का पूरा ख्याल किया जाए। यह हमारी रोड है।